जनाब कैसे हो। मैं आपका विराट स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ब्रदर ऑन ड्यूटी में। आज मैं जिन इंडियन वुमेन के बारे में बताने जा रहा हूं, इनके बारे में पूरे यूट्यूब पे वीडियो नहीं है। हमारे भारत देश की कुछ ऐसी बेटियां हैं जिन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसके वजह से लोग आज भी उन्हें याद करते हैं, जिसमें एक नाम इनका भी है। इन्होंने उस समय में ओलंपिक खेला जिस समय में लड़कियों को घर से निकलने में भी पाबंदी थी और लड़कियों को खेल में रुचि दिखाने पर ना के बराबर इजाज़त थी, पर इन्होंने उस समय में ओलंपिक खेलकर अपने साथ साथ शायद उन सभी लड़कियों के लिए एक मिसाल बनी कि लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, जिनका नाम नीलिमा गोसे था। इनका जन्म 15 जून 1935 में हुआ था। इन्होंने 1952 के ओलंपिक में 100 मीटर स्प्रिंट और 80 मीटर हर्डल्स में पार्टिसिपेट किया। इनकी बेस्ट टाइमिंग जिसमें इन्होंने 100 मीटर 13.80 और हर्डल्स 13.07 था। इसके साथ साथ इनकी टीममेट मैरी डिसूजा भी खेली थी, पर ये 100 मीटर की फर्स्ट हिट में दौड़ने के कारण पहली इंडियन ओलंपियन वुमेन बन गई। उसके बाद इन्होंने 1954 में 100 मीटर 12.07 सेकेंड में दौड़ के पर्सनल लाइफ बेस्ट किया। आज का फैक्ट ये है कि मात्र 17 वर्ष की उम्र में ओलंपिक्स खेलने के कारण ये सबसे कम उम्र में ओलंपिक खेलने वाली इंडियन महिला बनी। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि के शान का है, हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर करो क्योंकि लोगों को पता चले हमारे देश को द गोल्डन बर्ड क्यों कहा जाता है। सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कितने लोगों को ये बातें पता थी और कितने लोगों को नहीं।